जी, क्या जेल के अंदर से सत्ता चलाई जा सकती है? ये सब कुछ है, बोलिए क्या कर देती है, सब कुछ है। कभी भी जेल से सरकार नहीं चल सकती। आज अरविंद केजरीवाल जी को जेल से गैंग चलाया जा सकता है। अगर आपको गैंग चलाने का शौक है तो कोशिश करो, शराब ने उस पे भी आप मोदी सरकार में अमीर मुख्यमंत्री बनने का सपना ठीक से कर दिया, 100 करोड़ के महल में रहने वार हो रहा है चूर कर दिया, 20 लाख। लेकिन कोई जेल से सरकार कैसे चला सकता है? नहीं चला सकता। वरेंद्र सचदेवा ये कोई अपराधी मानसिकता का व्यक्ति ही सोच सकता है। बच्चा चलाकर कह रहा है आज दिल्ली की जनता सड़कों पे अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो। ऐसे मुख्यमंत्री को जब एक मुख्यमंत्री और भाजपा की शपथ लेता है, देखना शपथ लेता है तो कहता है मैं संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखूंगा, मैं मेरे समक्ष जो विषय लाए जाएंगे उसकी गोपनीयता रखूंगा। जेल से कोई भी अगर कैदी या अपराधी पत्र लिखता है तो पहले उस पत्र को जेलर पढ़ता है। क्या जेलर चलाएगा दिल्ली को? हमारे लोकसभा के अरविंद केजरीवाल तानाशाही दिखा रहे हैं। एक तो उन्होंने दिल्ली को लूटा है, ऊपर से 9 साल बाद कह रहे हैं हाँ मैंने पानी नहीं दे पाया, मैं सीवर नहीं दे पाया, आज बोल रहे हम दवाइयां नहीं दे पाई। तो इनको दिल्ली की जनता अब उनको सजा देने के लिए सड़कों पे है और अरविंद केजरीवाल को कानून भी सजा देगा, दिल्ली की जनता भी सजा देगी। आज पीएम आवास का घेराव कर रही है आम आदमी पार्टी। दोनों हाथ उठा के, अरे वो अपना घेराव कर ले, दोनों हाथ उठा के अपने भ्रष्टाचार की नियत का घेराव करे। दिल्ली में इतना भ्रष्टाचार कर दिया इन सबों ने, जल बोर्ड देखो घोटाला, क्लासरूम देखो घोटाला, डीटीसी देखो घोटाला, शराब में घोटाला, पानी में घोटाला, जमुना सफाई में घोटाला। ये दिल्ली की जनता आज खून के आंसू रो रही है और इनको अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इसका जवाब देना पड़ेगा। तो ये थे मनोज तिवारी जी जिन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। ये दिल्ली की जनता भी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दे ताकि दिल्ली का कल्याण हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट सनी माहेश्वरी के साथ मैं पूर्वा, इंडिया डेली लाइव।